हेलो दोस्तों, ये वीडियो रिच डैड पुअर डैड सीरीज का पांचवा वीडियो है। अगर आपने पहले के चार वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखें। उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। सूचना के इस युग में पैसा मिनटों में बन जाता है। कुछ लोग तो जीरो से शुरू करके अविश्वसनीय रूप में अमीर हो जाते हैं, और इसके लिए वो केवल कुछ विचारों और अनुबंधों का सहारा लेते हैं। आपको ये बात वो लोग आसानी से बता सकते हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या दूसरे निवेश करते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा अवसर होता रहता है। कुछ नहीं से तत्काल करोड़ों रुपए बनाए जा सकते हैं, और कुछ नहीं से यहाँ मतलब है कि बिना पैसों के लेन देन के, ये अनुबंध के द्वारा किया जाता है। शेयर मार्केट में पल भर में शेयर खरीद कर बिक जाते हैं। इस पूरे मामले में धन का लेन देन नहीं होता, केवल अनुबंधों का होता है। आपको फाइनेंशियल IQ इसलिए विकसित करनी चाहिए क्योंकि आप दुनिया की सबसे तेज और सबसे बड़े खेल में भाग ले सकते हैं, और अपने इस छोटे तरीके से आप मानवता के अभूतपूर्व विकास का हिस्सा बन जाते हैं। एक ऐसे युग का हिस्सा जहां इंसान विशुद्ध रूप से केवल अपने दिमाग से काम करता है, शरीर से नहीं। इसके अलावा यहां ज्यादा रोमांच है, यहां पैसा है, यहां डर है, यहां आनंद है। इसलिए अपनी फाइनेंशियल बुद्धि में निवेश करें और अपनी सबसे शक्तिशाली संपत्ति को विकसित करते रहें। ये दुनिया बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ होना चाहती है, पीछे रह जाने वाले लोगों के साथ कोई नहीं रहना चाहता। कई बार आप TV और अखबारों में ये सलाह सुनते होंगे कि महीने के इतने पैसे बचाएं और आप 20-25 साल बाद करोड़पति बन जाएंगे। हर महीने निश्चित रकम बचाना भी एक अच्छा विचार है। ये एक विकल्प है, एक ऐसा विकल्प जिसे बहुत से लोग मान लेंगे। समस्या ये है कि ऐसा करने से आदमी ये नहीं जान पाता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वो अपने पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण बढ़ोतरी के बड़े मौकों का फायदा नहीं उठा पाता। दुनिया उनके पास से गुजर कर आगे बढ़ जाती है। अब देखिए, जरा इन पॉइंट्स पर गौर करें, इनमें से कौन सी सलाह आपको ज्यादा कठिन लगती है। नंबर 1, कड़ी मेहनत करो और 28% की दर से GST चुकाओ, और फिर जो रकम बचती है उसमें से बचत करो। आपकी बचत पर आपको 5% ब्याज मिलता है, जिस पर आप फिर टैक्स लगवा लेते हैं। या फिर नंबर 2, पैसे की समझ विकसित करने का समय निकालो और अपने दिमाग का संपत्ति वाले कॉलम की ताकत का इस्तेमाल करो। निर्णय आपको करना है, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या पसंद है। नंबर 2 फाइनेंशियल IQ 4 मुख्य तकनीकी दक्षताओं से मिलकर बनता है। नंबर 1 फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी अंकों को पढ़ने की योग्यता से। नंबर 2 इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, यानी धन द्वारा धन बनाने का विज्ञान द्वारा। नंबर 3 बाजार की समझ, यानी मांग और पूर्ति। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बाजार को वो दिया जो इसे चाहिए था, यही बिल गेट्स ने भी किया। नंबर 4 कानून, अकाउंटिंग, कॉरपोरेट, स्टेट और नेशनल कानूनों और नीतियों के बारे में जागरूकता। हमेशा पैसा कमाने के नियमों में रहकर ही काम करें। अगर आप पैसे का आविष्कार करना चाहते हैं तो आप में इन चारों पॉइंट्स की मूलभूत आधारशिला यानी कि बेस होना चाहिए, या इन दक्षताओं का समन्वय यानी कि आपके अंदर इनका बैलेंस होना चाहिए। चाहे आप ऐसे छोटे घर, बड़े अपार्टमेंट, कंपनियां, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, बहुमूल्य धातुएं, बेसबॉल कार्ड खरीद कर करें या किसी किस्म का दूसरा काम करें, आपको इतनी सी बात समझ लेनी चाहिए कि निवेश आते जाते रहते हैं, मार्केट घटता बढ़ता रहता है, अर्थव्यवस्थाएं सुधरती बिगड़ती रहती हैं, दुनिया आपको हर दिन जिंदगी के अनूठे अवसर देती रहती है, लेकिन अधिकतर हम उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन वो वहाँ होते हैं। और दुनिया जितनी ज़्यादा बदलती है, साथ में टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा बदलती है, आपके और आपके परिवार के लिए स्थायी आर्थिक सुरक्षा के लिए उतने ही ज़्यादा मौके होते हैं। तो अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को विकसित करने का झंझट क्यों उठाया जाए, एक बार फिर आप ही इसका जवाब दे सकते हैं। दुनिया में बहुत तेजी से परिवर्तन, बदलाव हो रहा है और होने वाले हैं। हमें परिवर्तनों का स्वागत करना चाहिए और पुराने विचारों से चिपके नहीं रहना चाहिए। मार्केट में ज्वार आएगा और मार्केट में भाटा भी आएगा, बस आपको लगातार अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को विकसित करना है, क्योंकि मार्केट में हर परिवर्तन पर कुछ लोग अपनी नौकरियों के लिए अपने घुटने टेक कर भीख मांगेंगे। इसी समय कई दूसरे लोग जिंदगी द्वारा दिए गए नींबुओं को लेकर उन्हें करोड़ों में बदल लेंगे, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें कभी कभार जिंदगी नींबू दे ही देती है, यही फाइनेंशियल बुद्धि है। अगर मौके बहुत मुश्किल हैं और आप इन्वेस्ट को नहीं समझ पा रहे हैं तो उस टाइम आप इन्वेस्ट ना करें। देखिए दोस्तों, पैसे के बारे में निर्णय लेने में हमें केवल साधारण गणित और कॉमन सेंस की जरूरत होती है। आप ये समझ लें कि पैसे से जुड़े किसी भी रिस्क को लेने के लिए आप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, निवेश की रणनीति, बाजार की समझ और कानूनों की जानकारी होना जरूरी है। अगर आप इन विषयों के बारे में जानकारी नहीं रखते तो स्पष्ट रूप से स्टैंडर्ड सलाह का पालन करना चाहिए, जो कहती है कि सुरक्षित खेल खेलना चाहिए और सुरक्षित निवेशों में
पैसा लगाना चाहिए। लेकिन सुरक्षित निवेशों के साथ समस्या ये है कि वो अक्सर बहुत कम मुनाफा देते हैं। उन्हें इतना सुरक्षित बना दिया जाता है कि उनसे मिलने वाला मुनाफा कम हो जाता है। दोस्तों, ज्यादातर बड़े ब्रोकरेज हाउसेज जोखिम भरे सौदे से बेचते हैं ताकि वे खुद की और अपने कस्टमर्स की सुरक्षा कर सके, और ये नीति समझदारी की भी है। जिंदगी में फाइनेंशियल बुद्धि विकसित करने का एक और फायदा ये होता है कि इससे आपके सामने ज्यादा अवसर आते हैं, और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि जितनी ज्यादा बढ़ती है आपके लिए ये बताना आसान हो जाता है कि कोई सौदा अच्छा है या बुरा। आपका IQ एक बुरे सौदे को पहचान सकता है या बुरे सौदे को अच्छे सौदे में बदल सकता है। आप जितना ज्यादा सीखते हैं उतना ज्यादा कामयाब होते हैं। अधिकतर लोग सुरक्षित खेल खेल रहे हैं और अपने प्रोफेशन में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, जिसे विकसित होने में बहुत समय लगता है। तो आप कुल जमा फिलॉसफी तो समझ लें, अपनी संपत्ति वाले कॉलम में बीज बोना शुरू कर दें। छोटे पैमाने पर शुरू करें और बीज बोते रहें। कुछ बीज उग जाते हैं और कुछ नहीं उगते। किसी भी काम में जोखिम तो होता ही है, लेकिन ये फाइनेंशियल बुद्धि होती है जिससे आपकी सफलता के अवसर बढ़ जाते हैं। इसी कारण जो चीज़ एक आदमी के लिए जोखिम भरी होती है वो दूसरे आदमी के लिए उतनी जोखिम भरी नहीं होती। यही वो मूल कारण है जिसकी वजह से आपको स्टॉक, रियल एस्टेट या दूसरे बाजारों में निवेश करने के बजाय फाइनेंशियल बुद्धि में निवेश करना चाहिए। आप जितने ज्यादा स्मार्ट होंगे आपके सफल होने के अवसर उतने ही ज्यादा होंगे। पिछले वीडियो में हमने इकोनॉमिक फ्रीडम के बारे में कही थी, लेकिन ये हमेशा याद रखें कि आपको मजा आना चाहिए। ये केवल एक खेल है। कई बार आप जीत सकते हैं और कई बार आपको हार के साथ साथ अनुभव भी मिलता है, लेकिन हमेशा आनंद ले। ज्यादातर लोग कभी नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें हार का डर लगा रहता है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि गलतियां बुरी बात होती हैं और गलतियां करने के लिए हमें सजा भी दी जाती है। लेकिन अगर हम इंसानों की सीखने की प्रक्रिया पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि इंसान गलतियां करके ही सीखते हैं। हम गिर गिर कर ही चलना सीख पाते हैं, और अगर हम कभी नहीं गिरे तो हम कभी चलना भी नहीं सीख पाएंगे। यही मोटरसाइकिल चलाने के बारे में भी कहा गया है, यही अमीर बनने के बारे में भी कहा गया है। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोगों के अमीर न बन पाने का मुख्य कारण ये है कि वो हारने से डरते हैं। जीतने वाले हारने से नहीं डरते, लेकिन हारने वाले डरते हैं। सफलता की प्रक्रिया का एक भाग असफलता यानी कि फेलियर भी है। जो लोग असफलता से बचते हैं सफलता उनसे बचती है। पैसे कमाने को टेनिस के खेल की तरह माने, मेहनत से खेले, गलतियां करें, गलतियां सुधारें और ज्यादा गलतियां करें, उन्हें भी सुधारें, और इस तरह से आपका जो खेल है वो सुधरता जाता है। अगर आप खेल में हार जाते हैं तो उसी तरह रहें जैसे टेनिस के खेल में होता है। नेट के पास जाकर अपने विरोधी से हाथ मिलाते हुए, मुस्कुराते हुए और कह आगे बढ़े और कहिए कि अगले शनिवार को फिर मिलेंगे। इन्वेस्टर्स दो तरह के होते हैं। नंबर एक, पहले और सबसे आम तरह के इन्वेस्टर वही लोग होते हैं जो एक पैकेज में निवेश करते हैं। वो रिटेल आउटलेट में फोन करते हैं, जैसे एक रियल एस्टेट कंपनी या स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर को, और फिर वो कुछ खरीदते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड, स्टॉक या बॉन्ड हो सकता है। ये निवेश का एक अच्छा, साफ सुथरा और आसान तरीका है। ये उसी तरह की खरीदारी हो गई जैसे कोई कस्टमर कंप्यूटर स्टोर में जाकर स्टोर में रखे कंप्यूटर को खरीद ले। नंबर दो, दूसरी तरह के इन्वेस्टर वो होते हैं जो निवेशक को बनाते हैं। इस तरह के निवेशक आमतौर पर सौदों को असेंबल करते हैं, जिस तरह से कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर के पुर्जों को असेंबल करता है। दूसरे किस्म का निवेशक ही प्रोफेशनल निवेशक होता है। कई बार तो पुर्जों को इकट्ठा करने में सालों लग जाते हैं और कई बार वे कभी इकट्ठा नहीं हो पाते। अगर आप दूसरे किस्म के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको मुख्य रूप से तीन मुख्य दक्षताओं को विकसित करने की जरूरत है। फाइनेंशियल बुद्धि के अलावा इन दक्षताओं यानी कि इन क्वालिटीज की भी जरूरत होती है। नंबर एक, किस तरह ऐसे मौकों को खोजें जो दूसरों को दिखाई नहीं देती हों। दूसरे लोग अपनी आंखों से उस मौके को नहीं देख पाएंगे, पर आप अगर अपने दिमाग से उस मौकों को देख सकते हैं तो ये बेटर है। नंबर दो, पैसा किस तरह जुटाया जाए। औसत आदमी बैंक जाता है, परंतु इस दूसरे किस्म के निवेशक को ये पता होना चाहिए कि पूंजी किस तरह जुटाई जाए और बिना बैंक जाए कितनी तरीकों से पैसा जुटाया जा सकता है। हम इसे अधिकतर बिना बैंक की मदद लिए घर खरीद सकते हैं। घर खरीदना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पैसा इकट्ठा करना बहुमूल्य कला है। अक्सर आप लोगों को ये कहते हुए सुनेंगे, बैंक मुझे कर्ज नहीं दे रहा है या मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अगर आप दूसरे किस्म के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको ये सीखने की जरूरत है कि पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि इसी कारण ज्यादातर लोगों की योजनाएं ठप हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए सौदे नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। अगर आप दूसरे किस्म के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको ये सीखने की जरूरत है, क्योंकि इसी कारण ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए सौदे नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। अगर आप इस बाधा को पार कर सकते हैं तो आप ऐसे लोगों से मीलों आगे होंगे जिन्होंने इन दक्षताओं को नहीं सीखा।
आप क्या खरीदते हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितना जानते हैं। निवेश करना खरीदना नहीं है, ये एक नॉलेज है। नंबर 3, किस तरह स्मार्ट लोगों को जोड़ा जाए। ऐसे लोग जो समझदार होते हैं, जो या तो अपने से ज़्यादा समझदार लोगों के साथ काम करते हैं या उन्हें काम पर रखते हैं। जब भी आपको सलाह की ज़रूरत हो तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपका सलाहकार समझदार हो। सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इसके पुरस्कार भी बहुत कीमती हो सकते हैं। अगर आप इन दक्षताओं को नहीं सीखना चाहते हैं तो आपको पहली किस्म का निवेशक बनने की सलाह दी जाती है। आप तो जानते हैं वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, आप जो नहीं जानते वही आपका सबसे बड़ा जोखिम है। जोखिम तो खैर हमेशा रहता है। बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ये वीडियो हमने आपको रॉबर्ट कियोसाकी एंड शैरन लेचर की बुक रिच डैड पुअर डैड से बनाया है। इस बुक में ऐसे और कई लॉज हैं। ये बुक बहुत अच्छी है, आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इस किताब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर क्लिक करके आप ये बुक ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही एफर्टलेस जीके के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे और काम के वीडियोज आपके लिए लेकर आते रहेंगे।